ये आप देख सकते हैं इसका पिंग। टू जू हम आगे आते जाते हैं, हमारे पास और सस्ते बैट्स आते हैं। इंडिया में भी जाता है वो वाया दुबई जाता है। पहले टेनिस बॉल से शुरू करूं, लगता है जैसे हार्ड बॉल का बैट है लेकिन ये टेप बॉल का बैट है। बहुत लाइट वेट बैट है। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो ये बैट यूज कर रहे होते हैं, क्लब्स में चल रहा होता है। एक साल की मेंटेनेंस फ्री देते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये होता है, आप इसको इतना स्ट्रेच करें। किड साइज के भी किट बैग्स होते हैं और फिर आप हमारे पास प्लेयर किट बैग्स भी होते हैं। जो साउंड है टू सा लैदा होता है और ये जो फाइबर है इसका लैदा साउंड होगा। की थिकनेस देखें आप, और ये फुल केन हैंडल बैट है मैक्स T20 के नाम से। 1500 रुपये दर्जन है, और अगर आप एक लेना चाहेंगे, एक CS फॉर्चुनेट के नाम से है और एक CS मार्कोर के नाम। ये एहसान की किट है, कोई ये पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी। लार्ज था ये, बड़ों की अडल्ट साइज की था ये, और ये जो है किड्स साइज की था। डिफरेंट डिफरेंट डाई की बनी हुई होती है ये ग्रिप, कस्टमर के बजट के मुताबिक होता है, मिलावट के बगैर है, और ये मिलावट वाली ग्रिप है। वेट के ऊपर नहीं रुकी हुई। ये 3000 रुपए दर्जन। बाबर आजम, रिजवान ये पहना करते हैं। गोल्ड प्लेटिनम के नाम से इनका एक बैट है, ये प्लेयर बैट कहलाता है गोल्ड प्लेटिनम के नाम से। आप अगर देखेंगे इनका बैट TA+10000 है, और ये भी बैट इनका बहुत अच्छा है। इसके आप ग्रेन्स भी देख सकते हैं, टू टोन का बैट है ये। ये भी ग्रेड वन के प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं, क्लब्स में जो खेलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, अकेडमीज में जो खेलते हैं वो, जिनके बजट के हिसाब से होता है वो इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी अपनी हॉकी को भी जिंदा किया हुआ है, अपनी जो नेशनल गेम है। वुडन हॉकीज और फाइबर की हॉकीज, मतलब वुडन हॉकीज हमारे पास 550 रुपए से शुरू होती है। पाकिस्तान की शर्टें भी मिल जाएंगी, 6-6500 रुपए की तकरीबन किट लें, जो आपकी एक या डेढ़ साल चले। अगर आपके रेफरेंस से आएंगे तो इंशाल्लाह ताला जरूर हम डिस्काउंट, बेस्ट डिस्काउंट देंगे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल। माय सेल्फ सिकंदर उमर। जैसे कि मैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आज भी मैं लाइट हाउस पर ही आया हुआ हूँ, और एक होलसेल दुकान ही मैंने ढूंढी है, छान के ढूंढी है, समझ लें। ठीक है, कैपिटल स्पोर्ट्स शॉप का नाम है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो जहाँ भी मैं फर्स्ट टाइम जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं स्पोर्ट्स का कम्प्लीट उस शॉप का रिव्यू करूँ। तो आज भी मैं कंप्लीट शॉप का रिव्यू, क्योंकि एक स्पेशलिटी है कि ये क्रिकेट में ज़्यादा डील करते हैं, क्रिकेट गोड्स, क्रिकेट के आइटम उनके पास ज़्यादा तादाद मौजूद है। चलते हैं और शॉप के ओनर से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको बेसिकली हमारी ये शॉप जो है 1986 से थी, और हम जो है 1986 से काम करते आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब होते थे, वो इस स्पोर्ट्स की शॉप को रन कर रहे थे, और हम बेसिक जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्रिकेट के ऊपर है, ज़्यादा फोकस जो है हमारा, और बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स पे हम नहीं करते। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो के अंदर क्रिकेट की ईच एंड एवरीथिंग आपको नॉलेज भी देंगे और आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। अच्छा, एक और सवाल होगा व्यूअर्स का, उनके भी ध्यान में होगा कि होलसेल में सारा सामान हमें मिलेगा। जी बिल्कुल, क्रिकेट की आइटम्स में ये बेसिकली होलसेल की शॉप है, और आपको होलसेल रेट्स लगेंगे और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। शॉर्ट में बता देंगे कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं क्रिकेट के लिए। हमारे पास सारा सामान ही मौजूद होता है, और जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं क्रिकेट के, वो हमारे पास बेसिकली एकेडमी अप्रूव चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो है ऐसी चीज़ें कि एक हफ़्ते के बाद, चार दिन के बाद कंप्लेन आ जाएगी। अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बड़ा है, उसने सामान लेना है, तो हम उसको यही प्रॉपर गाइड करते हैं कि आप जो है वो 6-6500 रुपये की तकरीबन किट लें, जो आपकी एक या डेढ़ साल चले। और अगर आप जो है वो इससे कम बाय करेंगे, फॉर सपोज़ कस्टमर का बजट होता है 3000-4000, वो ले लेता है, लेकिन एक हफ्ते के बाद कोई चीज़ की कंप्लेन आ जाती है, कभी ग्लव्स ख़राब हो जाता है, कभी पैड ख़राब हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी उसकी इतनी चीप होती है कि वो मतलब कि चल ही नहीं पाती, तो वो फिर उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि एक तो कस्टमर के पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, और दुकानदार सिर्फ अपने थोड़े से चंद पैसों के लिए कस्टमर को जो है वो यूज़ करके और उसको चीज़ दे देता है और अपने जेब भर लेता है। तो हम यहाँ पर बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम प्रॉपर गाइड करें कस्टमर को। कस्टमर आए, हम उसको बोलते हैं बेशक तुम एक हफ़्ता रुक जाओ, बजट बनाओ और आके किट लेके जाओ, ताकि एक डेढ़ साल चले। ऐसा ना हो कि तुम चार दिन के बाद दोबारा लेकर आ रहे हो कि यार मेरे ग्लव्स भी ख़राब हो गए, मेरा पैड ख़राब हो गया, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। तो आपको कैपिटल स्पोर्ट्स के अंदर स्टैंडर्ड वाली चीज़ मिलेगी, क्वालिटी वाली चीज़ मिलेगी, और आपको वो चीज़ मिलेगी जो एकेडमी अप्रूव्ड होती हैं।
छोटा सा इंट्रोडक्शन था इनका, अभी हम ईच एंड एवरीथिंग के कुछ रेट वगैरह इनसे मालूम करते हैं और वीडियो पूरी देखना, और कुछ भी इनसे ऑर्डर करना हो तो उसका एसएस करके आप इनके को एसएमएस कर देना, इनको कॉल ना करना, ठीक है? फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको पहले टेनिस बॉल से शुरू करूँगा। हमारे पास बहुत सी बॉल्स हैं, टेनिस बॉल्स जो गैस वाली बॉल्स कहलाती हैं, और ये बेसिकली हमारी जो है ये बॉल है गैस वाली बॉल जो टूर्नामेंट्स वगैरह में यूज़ होती है, और ये कहलाती CS Mark IV के नाम से। ये 1500 रुपये दर्जन है, और अगर आप एक लेना चाहेंगे तो ये आपको तकरीबन 150 रुपये की पड़ेगी, और अगर आप 6 लेंगे तो ये आपको 1500 रुपये दर्जन के हिसाब से पड़ेगी। फिर अगर हम उससे अच्छी क्वालिटी पे आते हैं तो ये CS Fortunate के नाम से है। इसकी फेल्ट भी बहुत अच्छी है और इसकी रबड़ भी अंदर बहुत अच्छी है। बेसिकली बॉल जो टेनिस का बॉल होता है वो फेल्ट की जोर के ऊपर होता है, और अंदर जो रबड़ होता है वो उसके ज़ोर के ऊपर होता है। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी लगी हों तो बॉल ज़्यादा देर चलता है, और अगर फेल्ट अच्छी ना लगी हो तो वो क्या होता है कि ऊपर से स्किन इसकी जो फेल्ट है वो बाहर आ जाती है दो मैचेस के बाद, एक मैचेस के बाद। तो यूजली ज़्यादा कस्टमर हमसे ये दो बॉलें जो हैं वो ज़्यादा लेके जाते हैं, एक CS Fortunate के नाम से है और एक CS Mark IV के नाम से। ये जो CS Fortunate है ये 1800 रुपये दर्जन है, और हम अगर एक या दो देते हैं तो ये 200 रुपये की ईच देते हैं, 900 की 6 पीस। बिल्कुल एग्जैक्टली 900 रुपये की 6 पीस मिल जाएंगी। फिर अगर आप जो है वो आ जाते हैं थाईलैंड की बॉल, तो थाईलैंड की बॉलें बहुत सी चली हुई हैं, हमने बेसिकली रखी हुई हैं एहसान की। तो एहसान की ये मैक्स है, आप ये देख सकते हैं मैक्स T20 के नाम से। ये आपको तकरीबन 700 रुपये का केन पड़ेगा, 2800 रुपये दर्जन, ठीक है? ये सिंगल पीस नहीं देते बिकॉज हम ये डब्बे के अंदर होलसेल कर रहे हैं, तो इस वजह से डब्बे का डब्बा हम देते हैं उस, बिल्कुल 700 रुपये का डब्बा और 2800 रुपये दर्जन ये पड़ती है, ठीक है? वाइट वाली है, ये शान के नाम से है, ये आपको पड़ती है 3000 रुपये दर्जन। जी हाँ, ये सारी थाईलैंड की बॉल्स होती हैं। ये तीन बॉलों का पैक आपको 750 रुपये का पड़ेगा। आप यकीन माने बॉल्स के अंदर इतने नाम है कि अगर हम सारी वैरायटी रख भी लेते हैं तो कोई ना कोई कस्टमर आता है, कोई नया नाम लेके आ जाता है। तो अब पहले शील्ड 31 और 41 बहुत चला करती थी, जब से ये गैस बॉल इंट्रोड्यूस हुई है तो अब मोस्टली लोगों ने गैस बॉल रखना शुरू कर दी और खेलना भी उसी से शुरू कर दिया। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बॉल है जो CS Fortunate और CS Mark IV के नाम से। बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास ये किट है, वाइट किट, बेसिकली ये एहसान की किट है, जो कि क्या नाम है, आपको ये पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला ये क्वालिटी वाली चीज़ है, क्वालिटी वाली किट है। वैसे यहाँ पर मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो TCL के नाम से या इजी पैसा के नाम से, इनके नाम से किटें चल रही होती हैं, वाइट किट्स मिल रही होती हैं। तो हमने एहसान की क्वालिटी वाली किट रखी हुई है, ये X1 के नाम से, आप X1 देख सकते हैं, एहसान X1 के नाम से। ये 3500 की किट है। जी हाँ, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन ये प्रोफेशनल चीज़ है, तो हमने ये चीज़ रखी हुई है। फिर हम मूव ऑन करते हैं, ये थाई पैड है, जो सिंगल थाई पैड होता है, ये भी प्रोफेशनल होता है। ये हम यहाँ पे 750 रुपये का सेल कर रहे होते हैं, और ये भी आपको मिल सकता है। फिर आप आ जाएं, ये बच्चों की थाई है, किड थाई कहलाती है, वो जो आपको पहले दिखाई थी ये लार्ज थाई है, बड़ों की अडल्ट साइज़ की थाई है, और ये जो है किड साइज़ की थाई है, ठीक है? ये जो किड साइज़ की थाई है ये आपको मिलती है 600 की। जी हाँ, तो ये वो चीज़ें जो सारी एकेडमी अप्रूव्ड चीज़ें। फिर जी बिल्कुल, बैट ग्रिप्स में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बेसिकली इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा, अगर आप सस्ती लेंगे तो उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप अच्छी लेंगे तो उसमें मिलावट कम होती है, होती है उसमें भी लेकिन कम होती है। तो आप ये देखेंगे ग्रिप्स, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डाई की बनी हुई होती हैं ये ग्रिप्स। तो ये आपको पड़ेगी, आप कोई भी ग्रिप ले लें इसमें से, ये आपको पड़ेगी 200 रुपीस की। जी हाँ, नहीं बेसिकली जो पाकिस्तानी चीप बनी हुई होती हैं बैट ग्रिप्स, उनका साइज़ भी छोटा होता है, और दूसरी बात वो अपने वज़न के ऊपर भी नहीं रुकी हुई होती। ये देखेंगे आप कि ये ग्रिप जो है अपने वेट के ऊपर रुकी हुई है। अगर मैं कोई भी पाकिस्तानी आपको ग्रिप दिखाऊंगा,
अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा तो आप जो है वो वाकई में कहेंगे कि वो बिल्कुल प्रेस हुई हुई है। पाकिस्तानी जो ग्रिप होती है वो अपने वजन के ऊपर, जो मिक्सचर जिसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, वो ऐसे बैठी हुई ग्रिप होती है। तो मैं कस्टमर की नॉलेज के लिए भी ये बोलूँगा कि अगर कभी बाय करनी हो उसने तो वो ऐसी ग्रिप ले कि जो अपने वजन पे रुकी हो। अगर वो ऐसे बैठी हुई होगी तो वो ग्रिप अच्छी नहीं है, जल्दी फट जाएगी, तो ये चक्कर होता है। बता रहा था कि ये जो है मिलावट के बगैर है और ये मिलावट वाली ग्रिप है। आप ये देखेंगे ये वेट के ऊपर नहीं रुकी हुई, तो ये ग्रिप हल्की ग्रिप होती है। ये 50 रुपये की मिल जाती है, तो मार्केट वाले ये बेसिकली बताते नहीं हैं, 100-150 रुपये की सेल कर देते हैं, लेकिन ये ग्रिप बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। 2-3 दिन नहीं चलती और ये ख़राब हो जाती है। ये ग्रिप ज़्यादा देर चलती है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसको दूसरा तरीका भी ये है कि इसको चेक करने का तरीका ये होता है, आप इसको इतना स्ट्रेच करें, आपको कोई स्ट्रेच करने नहीं देगा। अगर मैं इसको इतना स्ट्रेच करूँगा तो ये आधी हो जाएगी, ये भी तरीकाकार होता है। ठीक है, फिर मूव ऑन करेंगे दूसरी चीज़ों के ऊपर। ये हमने हेलमेट्स रखे हुए हैं कुछ, ये मसूरी के हेलमेट्स हैं, श्रेय के हेलमेट है, ये कॉपी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको दिखाता हूँ रिस्ट गार्ड जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जो आप मोस्टली प्लेयर्स को देखेंगे पहनता हुआ। तो ये रिस्ट गार्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये यूजली बाबर आजम, रिजवान ये पहना करते हैं। ये 700 रुपये का एक रिस्ट गार्ड है जो हम सेल आउट करते हैं यहाँ पे। तो ये भी आपको मार्केट में बहुत कम है कि मिलेगा। तो हमने जो है प्रॉपर एक एक चीज़ को कवर किया हुआ है क्रिकेट के अंदर। तो एल्बो आपने बच्चों की देखी होगी, वो एल्बो आती है इस तरह की, ये एल्बो आती है, तो ये एल्बो यूजली दिखाते हैं। लेकिन हमने रिस्ट गार्ड भी रखा हुआ है जो एक प्रोफेशनल प्लेयर यूज़ करता है, वो भी चीज़ हमने रखी हुई है। तो आपको बेसिकली ये प्लेयर शॉप भी है, तो आपको प्लेयर की चीज़ें भी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। खेलता था लेकिन अब जो है वो टाइम नहीं मिलता, अब मसरूफियत की वजह से नहीं खेल पाता, वरना दिल तो बहुत चाहता। ये बेसिकली हार्ड बॉल के प्लेयर बैट्स हैं और ये बहुत अच्छे बैट्स हैं। आपको मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये जैसे कि मलिक का आपको आपने देखा होगा, जो अभी पाकिस्तान टीम है वो यूजली जो है उसमें 6 से 7 लड़के मलिक से खेल रहे हैं। तो मलिक इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रमोशन करवा रहे हैं और इनके बैट्स भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये गोल्ड प्लैटिनम के नाम से इनका एक बैट है। वारंटी देखें, वारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, ओरिजिनल की गारंटी है कि ये ओरिजिनल है। आप अगर ओरिजिनलिटी इसकी चेक करना चाहते हैं तो आप मलिक स्पोर्ट्स MB का नंबर भी होता है आजकल गूगल वगैरह में, आप देखें आराम से मिल जाता है, ब्राउजिंग करेंगे तो वहाँ से नंबर निकाल के आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि हमने कैपिटल स्पोर्ट्स से बाई किया है, तो वो उसकी ऑथेंटिकेशन आपको देंगे। तो इसका अगर बार कोड होता तो मैं आपको बार कोड का कहता कि डायरेक्टली आप बार कोड से कर लें। तो इन्होंने बार कोड्स नहीं लगाए हुए, जिसकी वजह से आप इनके नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इनसे आप रब्ता कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं। प्राइस क्या बताइए आपने इनकी? ये 55,000 का बैट है, तो ये भी प्लेयर बैट कहलाता है। ये इनका जो है Grade 1 का बैट होता है जो प्लेयर्स के हाथ में होता है। आप इनकी इसकी ग्रेन्स भी देख सकते हैं कि ग्रेन्स कितनी अच्छी ग्रेन्स है। ये प्लेयर बैट कहलाता है गोल्ड प्लैटिनम के नाम से। फिर हम मूव ऑन करेंगे, ये शेर अमीन का भी बैट पड़ा हुआ है, ये भी मलिक का ही बैट है। तो आप अगर देखेंगे इनका बैट, ये यूजुअली जो आप क्या Grade 1 खेल रहे हैं, Grade 1 जो खेल रहे होते हैं ये मोस्टली वो खेल रहे होते हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो ये बैट यूज़ कर रहे होते हैं, क्लब्स में चल रहा होता है। तो ये बेसिकली 12,000 रुपये का बैट है, मलिक शेर अमीन का बैट है ये भी प्लेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं। और इससे दिखाऊँ आपको तो ये CA का 12,000 है, ये भी आप देख सकते हैं। ये जो है ये भी प्लेयर बैट होता है और ये भी बहुत अच्छा खेलने में, CA का नाम तो आपने सुना ही, CA तो वैसे ही बहुत फेमस है, और ये बहुत अच्छा चलने में भी होता है और खेलने में भी बहुत अच्छा है। और ये प्लेयर बैट कहलाता है, मोस्टली जो Grade 1 के प्लेयर्स होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, Grade 2 के भी यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अच्छा। ये जो है आपको पड़ेगा 26,000 का, जी हाँ ये आपको 26,000 का पड़ेगा। और फिर अगर हम आ जाएं CA 10,000 के ऊपर, इनकी वैरायटी होती है बेसिकली, इनके बैट शुरू होते हैं 5,000 रुपये से और नीचे से भी शुरू हो रहे होते हैं, मतलब कि 2-3,000 रुपये से भी, लेकिन वो सिलेक्टेड विलो होती है। तो फिर इंग्लिश विलो तकरीबन 5,000 रुपये से बैट शुरू होता है इनका, और इनका तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये तक जाता है। तो ये इनका CA+ 10,000 है।
और ये भी बैट इनका बहुत अच्छा है। इसके आप ग्रेन्स भी देख सकते हैं, टू टोन का बैट है ये। ये भी ग्रेड वन के प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं, क्लब्स में जो खेलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, अकेडमीज़ में जो खेलते हैं वो, जिनके बजट के हिसाब से होता है वो इस्तेमाल करते हैं। ये आप इनकी बैग भी दे सकते हैं, ये आप ये देख सकते हैं, ये 22,000 रुपये का बैट है। तो ये भी आप देखेंगे, बेसिकली हमारे पास सिलेक्टेड विलो भी होती है और हमारे पास कश्मीर विलो भी होती है और हमारे पास इंग्लिश विलो भी होती है। आगे इंशाल्लाह ताला वीडियो में आपको मैं सिलेक्टेड विलो के बारे में भी बताऊंगा, इंग्लिश विलो के बारे में भी बताऊंगा, कश्मीर विलो के बारे में भी बताऊंगा। नाउ अगर हम इससे नीचे आते हैं तो हमारे पास और भी बैट्स हैं। ये बेसिकली हमारा ब्रांड है CS के नाम से, तो ये CS मार्क 4 एडिशन है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे ब्रांड का बैट है और ये हमारा बहुत अच्छा चलने वाला बैट है। और बेसिकली हम अपने बैट्स के ऊपर, अपने ब्रांड के ऊपर ये एज कस्टमर को देते हैं कि हम उसको जो है एक साल की मेंटेनेंस फ्री देते हैं। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन मेंटेनेंस फ्री देते हैं। बिल्कुल, आप देखें, आप अगर अभी कहीं जाएंगे भी तो आपका बैट टूट जाता है कभी, तो आप जब जाते हैं बैट रिपेयर करवाने, आपके 1500 से 2000 रुपए तो हाली अगर आप हैंडल चेंज करवाने पे जाएं तो उसमें लग जाते हैं। लेकिन कैपिटल स्पोर्ट्स एक वाहिद है कि ये जो है मेंटेनेंस एक साल तक की वो फ्री देते हैं, ताकि जो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, और कस्टमर जो है वो इसको बाय करे और इससे खेले। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, मैं आपको इसका पिंग भी दिखाता हूँ, इसका पिंक कैसा है आप भी देख सकते हैं और बता भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका पिंक, और इसमें भी बहुत अच्छे वेट्स मिल जाते हैं, 2.6 वेट से 2.10 तक वेट मिल जाता है, 2.6 LBS की बात कर रहा हूँ पाउंड में, तो ये बैट मिल जाते हैं। मोस्टली जो ये हमारे कस्टमर्स हैं, जो बाहर के कस्टमर्स हैं, UK USA, वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं और ये बहुत लाइकिंग में। जी वहाँ पर भी हमारा सामान जाता है, इंडिया में भी जाता है, वो वाया दुबई जाता है, तो क्या नाम है, लेकिन वहाँ पर भी हमारा जाता है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑल अराउंड द वर्ल्ड छोटे छोटे कस्टमर्स हैं वो लेकर जाते हैं। ये बेसिकली जो है आपको पड़ेगा 18,000 रुपये का। जी ये बजट भी होता है, बजट फ्रीली भी होता है कि एक कस्टमर के बजट में भी आ जाता है, और इससे भी नीचे हमारे पास बैठे हैं कुछ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आप अगर आपके रेफरेंस से आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम डिस्काउंट, बेस्ट डिस्काउंट देंगे। ये अब हम मूव ऑन कर रहे हैं मार्क 4 एडिशन, पहले आपको दिखाया था मार्क 4 लिमिटेड एडिशन, और ये अब है मार्क 4 एडिशन के नाम से। आप ये देख सकते हैं मार्क 4 का बैट है ये, ये भी कस्टमर के बजट के मुताबिक होता है, आप ये देख सकते हैं 12,000 रुपये का। ये भी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के, आप हमारा बैट शुरू होता है 8,000 रुपये से और वो तकरीबन जो है जाता है 35,000 तक, और ये कस्टमर के लिए एक बजट में भी आ जाता है उसके, और ये बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस भी है, बहुत अच्छा खेलता है ये भी बैट। यहाँ पर भी जो है वो बैट्स हैं, बेसिकली प्लेयर बैट्स भी हैं और क्लब के जो प्लेयर्स होते हैं वो भी लाइक करते हैं। ये यहाँ पर आपको मिक्स स्टिकर्स के बैट्स नज़र आएंगे, सारे हार्ड बॉल के, जो ऊपर जितने भी लगे हुए हैं मोस्टली वो हार्ड बॉल के बैट्स हैं। और ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये स्पार्टन, कोकाबुरा, न्यू बैलेंस वगैरह, ये MRF, ये सारे जो लगे हुए हैं ये मतलब टेनिस के अच्छी क्वालिटी के बैट्स हैं, शॉर्ट हैंडल के बैट्स, ठीक है। ये बेसिकली इस रैक के अंदर जो है वो तकरीबन 15,000 रुपये का बैट भी है, 25,000 रुपये का भी बैट, तकरीबन 15,000 से लेके 25,000 तक इस रैक में बैट्स हैं। और इसमें कोई कोकाबुरा, न्यू बैलेंस और प्लेन बैट और हमारा ये कैपिटल का गोल्ड एडिशन ये मिल जाएगा इसमें। और अगर आप इस रैक में आते हैं तो ये मलिक के बैट्स हैं, इसमें तकरीबन जो है 22,000 रुपये से बैट शुरू होते हैं और जो है वो 30,000 रुपये तक बैट आपको इस रैक में मिल जाएगा। और अगर आप इधर आते हैं एहसान की तरफ तीसरे रैक में, तो इसमें जो है आपको एहसान के तकरीबन 16,000 रुपये से बैट शुरू होते हैं और वो तकरीबन 30,000 रुपये तक बैट आपको इस रैक में भी मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ पर आते हैं चौथे रैक में, तो आपको जो है वो थोड़े से बजट फ्रेंडली प्राइसेस के बैट्स मिलेंगे, आपको इसमें 8,000 रुपये से लेके
और 8,000 से लेके तकरीबन जो है 15,000 रुपये तक आपको इस, बिल्कुल 8,000 से लेके 15,000 रुपये तक की रेंज के बैट्स मिलेंगे। फिर मैं आपको ये दिखाऊं, ये बेसिकली हमारा बॉलर किलर के नाम से जो है बैट है, कस्टमर बहुत लाइक करता है ये, और ये बैट बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं ऐसा लगता है जैसे हार्ड बॉल का बैट है, लेकिन ये टेप बॉल का बैट है। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं कि मोटाई कैसी है इसकी, आप इसकी थिकनेस देखें। इसका वेट तकरीबन जो है वो 900-850 ग्राम होता है, और ये बैट दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत हैवी है, लेकिन जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ये बहुत लाइट वेट बैट है और बहुत पसंद किया जाता है कस्टमर की उससे परस्पेक्टिव से। ये बेसिकली हम देते हैं 6,000 रुपये का यहाँ पे सेल आउट करते हैं जी। ये बेसिकली रावला कोट वुड होती है, टेनिस बैट की जो वुड इस्तेमाल होती है वो रावला कोट की वुड होती है। ज़्यादा अच्छा क्वालिटी इसमें क्या होती है, इस हैंडल की होती है, हैंडल की वर्थ बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप वो हार्ड बॉल का बैट लें, चाहे आप वो टेप बॉल का बैट लें, अगर वो अच्छा हैंडल होता है तो वो देर पा चलता है, अगर वो हैंडल अच्छा नहीं होता तो वो क्या होता है कि हैंडल से ब्रेक हो जाता है बैट और वो टूट जाता है। तो वो सस्ते बैट्स होते हैं, वो उसके बारे में भी आगे आपको वीडियोज़ में बताएंगे। ये बाकी जो है दूसरे ब्रांड्स के भी बैट हैं, MRF का है इसमें स्टिकर है, इसमें SG का है, कोकाबुरा का है, न्यू बैलेंस का है। ये कोकाबुरा का भी सेम प्राइस है। अब हमारा चूँकि होलसेल का काम है तो होलसेल के अंदर हमने जो है वो किया हुआ नहीं है ऐसे, वो जो रिटेलर होते हैं वो इसकी प्राइसेस बनाते हैं, जब स्टिकर्स चेंज होते हैं तो वो प्राइसेस बनाते हैं। ये 6,000 रुपये का बैट है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस देखें आप, और ये फुल केन हैंडल बैट है। बिल्कुल ऐसे नहीं, अगर एक दो भी कस्टमर ने लेना हो तो हम उसको भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम ऑनलाइन भी, हमारा काम है वो भी ऑनलाइन भी परचेज कर सकता है कस्टमर। बाकी हम इस रैक पे आते हैं तो इस रैक में वाइट किट्स आपको मिल जाएंगी, इसमें TCL की किट्स वगैरह हैं, बचकाना किट्स हैं, बच्चों की जो किट्स हैं, मतलब 26 नंबर से लेके आपको जो है वो 36 नंबर तक मिल जाएंगी। और फिर यहाँ पर किट्स जो हैं बेसिकली, वो जो आपको मैंने पहले एहसान की किट दिखाई थी वो ज़रा कॉस्टली किट है। इस रैक के अंदर हमने जो है वो 700 रुपये से किट शुरू की हुई और 1500 रुपये तक किट है, ठीक है। बिल्कुल ये ग्लव्स हैं, बैटिंग ग्लव्स, ये प्लेयर क्वालिटी के ग्लव्स हैं। इसमें जो है हल्के ग्लव्स भी कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन इस रैक में तकरीबन जो है वो 2,000 रुपये से ग्लव शुरू होता है और वो तकरीबन जाता है 4,500 तक इस रैक में पड़े हुए। और बैटिंग पैड्स पे आते हैं तो ये बैटिंग पैड जो इस रैक में पड़ा हुआ है हमारे पास, ये आप CS का देख रहे होंगे, तो ये बैटिंग पैड आपको तकरीबन 3,500 रुपये का मिलेगा। और ये अगर ब्लैक पे आते हैं तो ब्लैक जो है वो 4,500 का, 4,500 रुपये का बैटिंग पैड है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जू हम आगे आते जाते हैं, हमारे पास और सस्ते बैट्स आते हैं। ये क्लब के मैचेस एकेडमी जिन्होंने स्टार्टिंग की है, ये इंग्लिश वाले उनके लिए ये बैट्स हमारे शुरू होते हैं 6,000 रुपये से। एहसान के बैट्स हैं ये, 6,000 रुपये से इंग्लिश फिलो शुरू होता है और ये फिर जाता है तकरीबन 12,000 रुपये तक। ये कस्टमर की पॉकेट फ्रेंडली होते हैं कि वो आराम से बोरो कर सकता है, बाय कर सकता है। नहीं, ये हार्ड बॉल, ऊपर मैंने आपको बताया कि सारे हार्ड बॉल के बैट्स ऊपर वाले रैक में लगे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के टेनिस बैट्स थे। ये बाकी नीचे जितने भी हैं ये सारे टेनिस बैट्स हैं। ये जो हैं जितने भी बैट्स लगे हुए हैं ये सारे सिलेक्टेड विलो है, पाकिस्तानी विलो जो कहलाती है, कश्मीर विलो, ये वो बैट्स हैं। ये तकरीबन 1500 से लेके आपको 4,000-5,000 रुपये के, कुछ दुकानदार यहाँ पर इसी को जो है वो 20,000-20,000 रुपये का बेचते हैं और वो कस्टमर से पैसे हड़प लेते हैं, तो ये चक्कर है। बाकी आपको मैं इस रैक पे आऊँ तो इस रैक में भी सारे जो है वो पाकिस्तानी विलो मिलेंगे और सिलेक्टेड विलो मिलेंगे। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी अपनी हॉकी को भी ज़िंदा किया हुआ है, अपनी जो नेशनल गेम है उसको भी हमने थोड़ा सा लाइव किया हुआ है, और हमने ये हॉकीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ये वुडन हॉकीज़ और फाइबर की हॉकीज़, मतलब वुडन हॉकीज़ हमारे पास 550 रुपये से शुरू होती है और वो जाती है 1200 रुपये तक, और जो फाइबर की हॉकी है वो हमारे पास शुरू होती है 2200 रुपये से और वो 12,000 रुपये तक जाती है। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर मिलेगा कि हॉकी की
चीज़ें आपको मिले। बिल्कुल, ये तो ये है फुल मतलब सेवन स्टिक हॉकी कहलाती है ये, केन स्टिक। ये बेसिकली आपको 750 की पड़ेगी, ये वुडन हॉकी होती है। और अगर हम फाइबर पे आ जाते हैं कम से कम हॉकी, तो ये कम से कम फाइबर की हॉकी है, ये आपको 2200 की पड़ेगी स्टार्टिंग, फिर ये 12,000 रुपये तक जाती है। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, वो उस मुताबिक होती है। आप इसको चेक करने का तरीका भी एक ही है कि कुछ जो हैं वो कलर हॉकीज़ दे देते हैं और वो फाइबर करके बेचते हैं। ये देखें आप, ये जो है इसका साउंड एक मखसूस अलहदा होता है, और ये जो फाइबर है इसका अलहदा साउंड होगा। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों चीज़ों के अंदर। और फिर हमारे पास कुछ पाकिस्तान की शर्टें भी मिल जाएंगी, मतलब कि थोड़ा सा बहुत होजरी का भी हमने सामान रखा हुआ है, इतना नहीं है, लेकिन बस जो है वो पाकिस्तान की शर्ट्स 2016 से लेके 2022 तक की शर्ट्स भी आपको मिल जाएंगी, 1992 वाली। ये बेसिकली कॉपीज़ बनी हुई हैं, ये 350 रुपये की भी है, 450 रुपये की भी है, 550 रुपये की भी है, ये डिफरेंट प्राइसेस हैं, आपको मिल जाएगी। किट बैग्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे पास किड साइज़ के भी किट बैग्स होते हैं, और फिर आप हमारे पास प्लेयर किट बैग्स भी होते हैं। जो प्लेयर किट बैग्स होते हैं वो तकरीबन जो हैं 7,500 रुपये से शुरू हैं, और वो जाते हैं तकरीबन 15,000 रुपये तक, और जो किड्स साइज़ होते हैं वो तकरीबन 600 रुपये से शुरू होते हैं, और वो जाते हैं 1200 रुपये तक, 1500 रुपये तक, ये होते हैं। हम ऑनलाइन भी काम करते हैं, हमारा ऑनलाइन जो है वो लिंक मैं यहाँ पे वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, और हमारे यूट्यूब का भी लिंक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज को वहाँ पर भी, वीडियोस को वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो जनाब, आपने देखा काफ़ी लंबी कैसेट चल गई, अच्छी खासी वीडियो बन गई, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पर्सन है ये हारिस भाई। इनको सिर्फ ये बेच नहीं रही, इनको नॉलेज भी है, काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है, तो कुछ सीखने को भी मिला हमें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना। नंबर इनका दिया हुआ है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट करते हैं। इनकी यूट्यूब चैनल की लिंक भी इन्होंने बताया हुआ कि इनका चैनल भी है कैपिटल स्पोर्ट्स के नाम से, ये तो वो भी देख लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।